दोस्तों आजकल YouTube करियर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो कि दो दो चैनल क्रिएट करते हैं। मतलब कि फर्स्ट चैनल अगर थोड़ा बहुत ग्रो हो गया है तो वो क्या करता है कि सेकंड चैनल भी क्रिएट कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपना फर्स्ट चैनल के साथ साथ एक ब्लॉगिंग चैनल भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्लॉगिंग पसंद है। और दोस्तों अगर आपने भी ऐसा किया हुआ तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपका फर्स्ट चैनल ग्रो हो गया है थोड़ा बहुत, तो आपको अपना नया चैनल मतलब कि जो सेकंड चैनल है उसे फर्स्ट वाले चैनल में ऐड करना चाहिए, जहाँ से लोग आपके सेकंड चैनल को विजिट करें और उसे भी सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको नहीं आता है कि आप अपने फर्स्ट वाले चैनल में सेकंड चैनल का लिंक कैसे दे सकते हैं, कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपका चैनल सेकंड वाला जो है वो ग्रो हो जाए, तो आज के इस वीडियो आपको बताऊंगा कि आप अपने फर्स्ट चैनल में मतलब पुराने चैनल में नए चैनल को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे इसका लिंक दे सकते हैं जहां से लोग आपके चैनल को मतलब सेकंड वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और उस चैनल का ही वीडियोस को वॉच करें। दोस्तों अगर आप भी इस प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आगे भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम ओपन करना है। और दोस्तों अगर ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल में करते हैं तो आपको मोबाइल में गूगल क्रोम को डेस्कटॉप साइट में ओपन करना है और इसके बाद youtube.com सर्च कर लेना है। YouTube ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों ऊपर राइट कोने में देखें, यहाँ पे आपको आपके चैनल का लोगो दिखाई देता है, आपको इसमें क्लिक करना है और चले जाना है YouTube स्टूडियो में। YouTube स्टूडियो ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो सबसे नीचे से सेकंड नंबर पे देखिए आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, आपको कस्टमाइजेशन में क्लिक कर देना है। कस्टमाइजेशन ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे चैनल कस्टमाइजेशन का पेज ओपन हो जाएगा। और दोस्तों लेआउट वाला सेक्शन में ही आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है फीचर्ड सेक्शन का, और इसके ठीक सामने में आपको ऐड सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको ऐड सेक्शन में क्लिक कर देना है। और इसके बाद सबसे लास्ट में देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है फीचर्ड चैनल का, तो आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको सेक्शन का टाइटल डालना है, तो अगर आप अपना खुद का चैनल ऐड करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि माय सेकंड चैनल, या फिर आपका ब्लॉग चैनल है तो आप लिख सकते हैं कि माय ब्लॉग चैनल, या फिर अगर आप अपने दोस्त का चैनल ऐड कर सकते हो तो उस अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि माय फ्रेंड चैनल। इस तरह से आप कोई भी टाइटल ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माय ब्लॉग चैनल। और इसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे में देखिए यहाँ सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, आप या तो सर्च कर सकते हैं या फिर बगल में आप अपने सेकंड चैनल का लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, मेरा जो चैनल है वो सर्च लिस्ट में है, तो मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करूँगा। और सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम दूंगा, तो मेरा सेकंड चैनल का नाम है मिस्टर सुजीत ब्लॉग्स। अब दोस्तों यहाँ पे कई सारे चैनल ओपन हो गए, तो आपको यहाँ पे अपने चैनल को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आप थर्ड नंबर पे देख सकते हैं कि मैंने अपने चैनल को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे में देखिए यहाँ पे डन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका सेकंड चैनल का लिंक जो है फर्स्ट चैनल पर ऐड हो जाएगा। नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर चैनल फीचर चैनल पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे माय ब्लॉग चैनल जो कि मैंने टाइटल दिया था, और यहाँ पे एक दिखा रहा है मतलब कि एक चैनल मैंने अभी ऐड किया हुआ है जिसका लोगो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात है कि अभी आपका सेकंड चैनल जो ब्लॉग चैनल है वो मेरे फर्स्ट चैनल पे ऐड नहीं हुआ है। ऐड करने के लिए आपको ऊपर राइट कोने में देखें यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन मिल जाता है, जब तक आप पब्लिश पे क्लिक नहीं करेंगे चैनल ऐड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश होने के बाद आपका सेकंड चैनल जो है वो फर्स्ट वाले चैनल पे ऐड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे व्यू चैनल पे क्लिक करूंगा और देखूंगा कि एज एन ऑडियंस मुझे मेरा चैनल कैसा दिखाई देने वाला है। तो मैं यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। अब लोडिंग लेने के बाद क्या करना है कि आपको सबसे पहले देखिए मेरा चैनल ओपन हो गया है, यहाँ पे एक वीडियोज आ गया है, और थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइस ब्लॉग चैनल यहाँ पे टाइटल दिख जा रहा है, और मेरे चैनल का नाम आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार वीडियोस भी है और उसका लोगो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब कोई आदमी आता है, कोई ऑडियंस आता है आपके चैनल पे, तो यहाँ पे सामने देखिए सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जा रहा है, सब्सक्राइब पे क्लिक करके वो आपका सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है। दोस्तों आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपको उस चैनल पे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स प्रोवाइड कराता रहूँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने फर्स्ट वाले चैनल पे सेकंड वाले चैनल को लिंक कर दिया होगा, ऐड कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप ये जरूर सीख गए होंगे कि आप अपने पुराने चैनल में नए चैनल को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि इस तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। स्क्रीन में आपको दो वीडियो दिखाई दे रहा है, इसमें से किसी एक पर क्लिक कीजिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए और हमारे आने वाले का इंतजार कीजिए।